हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि आप रिमोट व्यूइंग यानी कि टेलीपैथी से दूसरों को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दूसरे को अगर आप चाहते हैं वो आपको कॉल करे या आपके संपर्क में आए तो रेकी हीलिंग आपको कैसे उनसे कॉन्टैक्ट करवा सकती है या आप अपना सबकॉन्शियस लेवल पे अपना मैसेज उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर मोर देन 25 ईयर्स, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। तो मैं टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी मंत्रा को सिखा रही हूँ आप लोगों को और नए नए वीडियोस लेके आती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप रेकी सीखो और रिमोट व्यूइंग या टेलीपैथी करना सीखो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। और ये भी आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, तो कमेंट्स मेरे को आपसे ज़रूर चाहिए, तभी हमारे चैनल की ग्रोथ होएगी और मैं आपसे और अच्छे से और अच्छा आप तक लोगों तक पहुंच पाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिएगा वीडियो को। तो शुरू करते हैं रिमोट व्यूइंग पे, ये कैसे होता है। तो रिमोट व्यूइंग या टेलीपैथी एक ऐसी कला है जिससे कि आप अपने मन से दूसरे के मन तक, अपनी सोल से लेके दूसरे की सोल से कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप कुछ क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हैं जो आपके मन को शांत करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको रिमोट व्यूइंग को करना है ये हम सीखेंगे। तो पहला स्टेप जो है, जो हमें करना है, वो सबसे पहले करना है कि हमें एक शांत और रिलैक्स जगह ढूंढनी है अपने लिए, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे लगभग 1 घंटे तक। तो ये सेशन जो है पूरा रिमोट व्यूइंग का 1 घंटे का रहेगा, जो जिसमें आप दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो 1 घंटा आप अपने निकालना है अपने लिए। उस बीच आपका टेलीफोन, मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करता है, वो बीच में आएगा, आपका जो एक लिंक और कनेक्शन बनता है दूसरे के साथ वो टूट जाता है। तो मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मोबाइल से आपने दूर रहना है। तो और फिर आपने क्या करना है, एक जगह शांति से बैठ जाना है। तो कोई रेक्लाइनर है आपके पास तो रेक्लाइनर पे होता है कि आपका पूरा बॉडी उसमें आराम से रिलैक्स होके अर्ध लेटने वाली अवस्था में, हाफ लाइंग डाउन, रेक्लाइन कर रहे हो आप, तो आराम से आपने रिक्लाइन करना है लाइक दिस। तो रिक्लाइनिंग पोजीशन में आपका इजीली बॉडी, एंटायर बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो आपने रिक्लाइन करना है, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। तो टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। तो ब्रीदिंग करते ही आपका मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो सारे विचार आपके साइड में चले जाते हैं और फोकस ब्रीदिंग से आप अवेयरनेस से अपने मन को शांत कर लेते हो। तो विचारों का जो रेल पेल, ये हुआ वो हुआ, वो सारा का सारा आपका शांत हो जाएगा और आप डीप एक रिलैक्सेशन में चले जाओगे। फिर आप कुछ मिनट अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। तो आपने अपना सेल्फ हीलिंग 7 चक्रास की कर लेनी है, 1-1 मिनट तक आप कर सकते हो। तो 7 मिनट्स आपने अपना सेल्फ हीलिंग को देना है। और फिर आप अब जिस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हो, आप विजुलाइज करोगे अपना कनेक्टिंग सिंबल्स को। तो आप हवा में बनाओगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, फिर हॉन्शाजेशुनेन। हमारा कनेक्टिंग सिंबल है तो इसे हमें ज़रूर ड्रॉ करना है। और फिर हम बनाएंगे चौकुरे 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 चौकुरे। तो आपने ब्रिज बना लिया चौकुरे, हॉन्शाइजेशन और चौकुरे से अपने और उस व्यक्ति के बारे में जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अब आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होकर और ये कनेक्टिंग सिंबल्स बना के अपने दोनों हाथों के बीच में जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं या उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसको अपने दोनों हाथों के बीच में अपनी थर्ड आई से विजुलाइज करेंगे। उसका सूक्ष्म शरीर को महसूस करेंगे कि आपके सामने उसका सूक्ष्म शरीर उपस्थित है और छोटी सी उसकी मूर्त। और अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप पिक्चर उसकी देखकर फिर उसको
विजुलाइज़ करना आपके लिए आसान हो जाता है, तो उसके ऊपर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है जिस बंदे से आप संपर्क करना चाहते हैं। और जब वो उसकी मूर्ति आप अच्छे से विजुलाइज़ कर रहे हो तो फील करोगे, महसूस करोगे कि आपके हार्ट चक्रा से उसके हार्ट चक्रा से एक पिंक कलर की लाइट निकलते हुए उसको कनेक्ट कर रही है। पिंक कलर इज़ द कलर ऑफ लव एंड कंपैशन, दिस इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो विजुलाइज़ अ पिंक लाइट, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रही है पिंक लाइट और उसके हार्ट चक्रा तक जा रही है और दोनों के हार्ट चक्रा से एक दूसरे से पिंक लाइट आ रही है और जा रही है। आपके हार्ट चक्रा से उसके हार्ट चक्रा तक पिंक लाइट जा रही है, उसके हार्ट चक्रा से पिंक लाइट आपके हार्ट चक्रा तक ईजिली फ्लो कर रही है। तो कीप ऑन विजुलाइजिंग दैट पिंक लाइट बिटवीन यू एंड हर एंड लेट योर सेल्फ फील इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। तो अपने अंदर एक फील करें उस बंदे के बारे में, एक अच्छी बात, कोई भी अच्छी बात उसके बारे में, कोई अच्छी मेमोरी हो जब आपने एक्सपीरियंस किया हो प्रेम या लव, और उस मेमोरीज़ को लेके आए अपने माइंड में। तो इवोक दोज वंडरफुल लविंग मेमोरीज़ ऑफ दैट पर्सन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। तो जब वो मेमोरीज़ आती हैं आपके मन में और उसके, तो एक वाइब्रेशन जो होती है वो यूनिवर्स में क्रिएट हो जाती है ऑफ लव ऑफ कंपैशन। यू नो लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ गॉड, एंड जब आपके अंदर लव की एनर्जी मजबूत होती है आप किसी भी बंदे से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो। अगर आपने हार्ट चक्रा पे वो कनेक्ट कर लिया, इवन इफ़ ए पर्सन हु इज़ नॉट गिविंग यू मनी, कोई बंदा ऐसा जिसको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा लौटा दो, अगर आप उसे ये लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो बंदा भी आपसे कनेक्ट होके आपके पैसे वो वापस कर सकता है। अगर आप टेलीपैथी से अपना पैसा भी आप वापस ले सकते हो उस बंदे से, तो आपने टेलीपैथिकली उस बंदे को लविंग एनर्जी दी, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी दी, उसके बारे में अच्छा अच्छा आपने सोचना शुरू करा कि यू आर ए गुड पर्सन, यू आर ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड कीप ऑन विजुलाइजिंग दैट पिंक लाइट। और जो भी आप मैसेज चाहते हो वो अब आप देना शुरू करोगे अपने थर्ड आई से। अब आप यहाँ से अपनी थर्ड आई से विजुलाइज करोगे, एक गोल्डन लाइट उसके थर्ड आई पे स्ट्राइक कर रही है, तो विजुलाइज अ गोल्डन लाइट कमिंग आउट ऑफ योर थर्ड आई एंड गोइंग टू दैट पर्सन्स थर्ड आई। तो ये एक अनदर ब्रिज का काम कर रही है। तो हम अपने थर्ड आई चक्रा से उसके थर्ड आई चक्रा पे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड वाइल विजुलाइजिंग दैट लाइट यू आर सेंडिंग दिस मैसेज। एंड पिंक लाइट से आप उसे लविंग एनर्जी दे रहे हो और थर्ड आई चक्रा से आप उसको कह रहे हो अपने मन की बात, जो भी आप कहना चाहते हो, आई वॉन्ट यू टू कॉल बैक, आई एम मिसिंग यू, आई लव यू, तो आप मुझे कॉल करो, आप मुझसे बात करो और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और अगर किसी से पैसे लेने हैं तो उसके वो भी आप मैसेजेस भेज सकते हो कि भैया सी आई एम इन नीड एंड आई नो यू आर ए वंडरफुल पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे, तो कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तो ये इस तरह से यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली एंड यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग दैट एनर्जी टू दैट पर्सन। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना हो, तो ये रिपीट करें प्रोसेस एवरी डे, तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस एवरी डे। हो सकता है फर्स्ट डे ही आपको सफलता मिल जाए, अगर फर्स्ट टाइम आपको नहीं मिलता तो आप सेकेंड डे, दो तीन दिन, एटलीस्ट 7 days आप लगातार इसको करें, यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर बैक। अगर आपका मनी रुका हुआ है तो वो 100% वापस आएगा। तो कंटिन्यू डूइंग दिस, ये टेलीपैथिकली आप उसको मैसेज दे रहे हो और कनेक्ट कर रहे हो। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर 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 लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू। टाटा, बाय बाय।